दक्षिणी राज्य कर्नाटक में हाई वोल्टेज प्रचार अभियान जारी है। 12 मई को 224 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होगा और 15 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। आइए आपको बताते हैं कर्नाटक चुनाव में किन मुद्दों की चर्चा हो रही है, किन मुद्दों पर कर्नाटक का वोटर राज्य की सियासी किस्मत तय कर सकता है। सियासी फेस वैल्यू। सीएम सिद्धारमैया के फेस और राहुल गांधी के धारदार अभियान के बल पर जहां कांग्रेस सत्ता बरकरार रख दूसरी पारी सुनिश्चित करने के मिशन पर जुटी है, तो वहीं बीजेपी को मोदी लहर और येदियुरप्पा के लिंगायत कार्ड के जरिए सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद है। वहीं जेडीएस भी तीसरे प्लेयर के रूप में किंग मेकर बनने की तैयारी में है। भ्रष्टाचार किदार। कर्नाटक चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव प्रचार में काफी तेजी से उछलता जा रहा है। कांग्रेस जहां बीजेपी के सीएम फेस येदियुरप्पा पर पिछले कार्यकाल के दौरान लगे भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि सिद्धारमैया के शासनकाल में कर्नाटक में 3000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन उनके चाय बिस्किट का बिल करोड़ों में आता रहा। किसानों के सवाल और महादाई का मुद्दा। सिद्धारमैया सरकार के सामने पिछले 4 साल से जारी सूखे का संकट चुनावी मुसीबत बन सकता है। गोवा से महादाई नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सियासत गर्म है। महादाई नदी उत्तर पश्चिम कर्नाटक के बेलागावी जिले के पश्चिमी घाट के भीमगढ़ से शुरू होकर गोवा होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। महादाई नदी कर्नाटक में 29 किलोमीटर जबकि गोवा में 52 किलोमीटर बहती है। कर्नाटक 2001 से ही गोवा से 7.6 अरब क्यूबिक फीट नदी का पानी छोड़ने की मांग करता आ रहा है। इससे वे सूखा प्रभावित धारवाड़ समेत 4 जिलों की जरूरतें पूरी करना चाहता है। गोवा को इसी पर आपत्ति है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पहल पर दिसंबर में गोवा के सीएम मनोहर पारिकर ने महादाई मुद्दे पर बातचीत कर पानी का कोटा बढ़ाने की पहल की। इसका बीजेपी को फायदा हो सकता है। महादाई नदी का मुद्दा उत्तरी कर्नाटक के लिए काफी अहम है और 25 सीटों पर इसका असर हो सकता है। दक्षिण के सियासी दुर्ग में मोदी के गुजरात मॉडल के सामने कांग्रेस का कर्नाटक मॉडल चुनौती पेश कर सकता है। सिद्धारमैया सरकार का दावा है कि उन्होंने लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई, राज्य को सोलर पावर में नंबर वन बनाया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस सरकार की ग्रोथ स्टोरी को सिरे से खारिज करती है। कन्नड़ गौरव का सवाल। विधानसभा चुनाव से पहले कन्नड़ गौरव या कन्नड़ स्वाभिमान का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। कांग्रेस के सिद्धारमैया इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। इसके तहत रेलवे से कहा गया कि वे टिकटों पर कन्नड़ भाषा का प्रयोग करें। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कन्नड़ भाषा में सूचनाएं दी जाने लगी। कई विमानन कंपनियों ने कन्नड़ भाषा में सूचना देने की शुरुआत की। इसी अभियान के तहत कर्नाटक का अलग झंडा होने की भी सिद्धारमैया सरकार ने घोषणा की और उसे कैबिनेट से पास कराकर केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने इसे एक देश की अवधारणा के खिलाफ बताया, लेकिन चुनाव में कन्नड़ गौरव सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उठा है। बीजेपी को इससे मुश्किलें पेश आ सकती है। मठों का गणित। कर्नाटक चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा धर्म और जाति का है। यहाँ चुनाव लड़ने वाली तीनों पार्टियाँ कांग्रेस, बीजेपी या जनता दल, सभी धर्म और जाति के आधार पर कर्नाटक के सत्ता हासिल करने की कवायद में है। दरअसल राज्य में विभिन्न जातियों के मठ हैं, जिनके असंख्य अनुयायी हैं। इन जातियों में लिंगायत, वो कालिंगा, कुरुप या अहिंदा और दलित प्रमुख है। कांग्रेस ने लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने का दाव चला और इसके जरिए येदियुरप्पा और लिंगायत कार्ड को फेल करने की कोशिश की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लिंगायत नेता येदियुरप्पा को सीएम बनने से रोकने की कांग्रेस की कोशिश करार दे रहे हैं। दक्षिण कर्नाटक और बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड। कर्नाटक में बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर जुटी है। कर्नाटक के दक्षिणी जिलों में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उसे लेकर बीजेपी और संघ ने माहौल बनाया है। समुद्र तट से सटे जिलों में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी काम किया है, वो उनका बना हुआ ग्राउंड है। मुस्लिम वोटों पर सिद्धारमैया पकड़ बनाने का दावा कर रहे हैं और इसी कार्ड के जरिए बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा आगे लाने में जुटी है। दलित कार्ड।
कर्नाटक चुनाव में दलित कार्ड भी कम मायने नहीं रखता। राज्य की आबादी में दलित समुदाय का हिस्सा करीब 20% है। 100 सीटों पर दलित वोट बैंक असरदार है। इनमें से 36 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। रोचक बात यह है कि कर्नाटक में दलित वोट बैंक बटा हुआ है। सभी दलों के अपने अपने समीकरण हैं। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। कांग्रेस एससी एसटी एक्ट में बदलाव के मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी जोर शोर से इसे कांग्रेस की भ्रम फैलाने की कोशिश करार दे रही है। हालांकि दलितों का मडिका समुदाय एससी में आंतरिक आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करने को लेकर कांग्रेस से नाराज है और इनका समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। पिछले चुनाव के बाद बदले समीकरण। बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 224 सीटों में से कांग्रेस ने 122 जीती थी, जबकि बीजेपी 40 और जेडीएस ने 40 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले बीएस येदुरप्पा की केजेपी महज 6 सीटें जीत सकी। इसके अलावा अन्य को 16 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में येदुरप्पा दोबारा से बीजेपी के साथ आ गए और इस बार सीएम उम्मीदवार घोषित हैं।